हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और मैं हाजिर हो गई हूं एक और सक्सेस जर्नी के साथ। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूं आज स्टूडियो में मेरे साथ है राघव। राघव बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, थैंक यू। राघव, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी, जेईई एडवांस में आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, जब रिजल्ट में अपना नाम देखा, फैमिली में कैसा माहौल है और खुद को अभी कैसा लग रहा है? सब खुश है और मैं तो ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे इतनी अच्छी रैंक मतलब एक्सपेक्टेड नहीं थी शुरू से, बट ठीक है, मेहनत तो की है और टीचर्स का भी सपोर्ट रहा है, मम्मी का भी सपोर्ट रहा है, सब पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया। मैं कोटा का ही हूँ तो अच्छा तो काफ़ी लग रहा है और सब बहुत खुश हैं। अच्छा, आप कोटा से ही है और हाँ। कोटा में क्योंकि देश भर के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं जी। और ऐसे में आपको कोटा में होने का कितना फ़ायदा मिला? जैसे कि हम कोटा को शिक्षा की काशी, मिनी इंडिया बहुत कुछ कहते हैं और कोटा इन सभी नामों को पुकारे जाने का हकदार है। हाँ। आपको यहीं पर ये सारा माहौल मिल गया, क्या कहें? हाँ, इसका बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि हमें बचपन से कई चीज़ें मिली, जैसे मम्मी कई जगह पता करती है, कोई सीनियर्स होते हैं तो वो जाते हैं तो हमें यहाँ से पहले से पता होता है कि क्या डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, किस तरह से पढ़ना होता है, कब जाना होता है, किस क्लास में ज्वाइन करना सही है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो अगर कोई बाहर का बच्चा है तो उसे ये सब नहीं पता, उन्हें जैसा पता है कि 11th में आना है या किसी साल में आना है, तो हमें इन चीज़ों का बहुत सपोर्ट रहता है। और दूसरा इमोशनल मेंटल सपोर्ट भी रहता है कि जैसे बच्चा क्लास से घर जाए, किसी दिन मूड ख़राब है, टेस्ट बिगड़ गया, तो पेरेंट्स रहते हैं हमेशा सपोर्ट के लिए और बाकी फैमिली भी रहती है, पर अगर जैसे नहीं है कोई, और दूसरी बार डिस्ट्रैक्शन से भी बचाते हैं, जैसे पेरेंट्स कई बार कह भी देते हैं, डांटते नहीं पर कह भी देते हैं कि अब पढ़ ले, अब पढ़ ले, जो बच्चा अकेला रह रहा है उसे कहने वाला कोई रहता नहीं है, तो उसे देखने वाला कहने वाला हाँ, तो थोड़ा तो बिगड़ जाती है कई बार बात, पर इस चीज़ का बहुत सपोर्ट रहा है कोटा में रहने का। निश्चित तौर पर सपोर्ट तो रहता है जब आपकी फैमिली आपके साथ हो। अच्छा राघव, क्या आपको शुरू से इंजीनियर ही बनना था? ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? नहीं, एक्चुअली मुझे एक टाइम पे ऐसा था, मुझे स्पेस साइंस में इंटरेस्ट था, मुझे इसे नासा वगैरह में जाना था 7th 8th क्लास, ज़्यादा भी बचपन की बात नहीं, बट फिर जब 9th 10th में आया तो फोकस इस पढ़ाई पर लग गया, उसके बाद 10th में अच्छा आया तो सोचा कि एलन ज्वाइन कर लिया था मैंने 10th में, तो मैंने सोचा कि नॉन मेडिकल की तैयारी कर लेते क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट था, मैथ्स बचपन से तो अच्छी रही थी, तो मैंने इस हिसाब से ज्वाइन किया था, प्रॉपर इंजीनियर बनने की नहीं सोची थी बचपन से। तो सपने समय समय पर चेंज हुए हैं लेकिन एक समय के बाद ये डिसाइड किया है कि मुझे किस लाइन में जाना है, किस तरफ मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। अच्छा, मैथ्स पढ़ना हमेशा से पसंद था? हाँ, बचपन से ही, मतलब पहले शुरू में जब फर्स्ट सेकंड में होता जब टेबल्स मैंने आगे तो खुद से करी थी, थोड़े बड़े होने के बाद कुछ जैसे ओलंपियाड्स की मैथ्स हुई उसकी तैयारी अलग से, फिर 8th 9th में तो स्कूल का ही रहता था और ज़्यादा कुछ नहीं, बट 10th के बाद जब एलन में ज्वाइन किया तो उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ा और कि अब तो करना ही है मैथ्स में। अच्छा राघव, जेईई की जर्नी कितनी टफ होती है और उसके लिए कितनी कड़ी मेहनत लगती है, वो स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे आपसे जो शायद आप ही की तरह नेक्स्ट ईयर जेईई को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? हाँ देखो, जर्नी तो टफ तो होती है और एक फैक्टर होता है लक का, जैसे मेरी क्लास के कई बच्चे हैं उनसे ज़्यादा मेहनत की होगी पर रिजल्ट थोड़ा कम रहता है क्योंकि हो सकता है उन्होंने किसी गलत चीज़ पे मेहनत कर ली हो या फिर थोड़ा डिसीजन गलत या कम मेहनत की हो, ठीक से ना किया हो, तो कई सारी चीज़ें होती है कि किस टाइम पर क्या रिवाइज करना है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है एक्चुअली जेईई का, तो पुरानी चीज़ें भी रिवाइज करनी रहती है, नए को भी साथ में कोप अप करना होता है, जैसे केमिस्ट्री की बात होती है, याद करने वाली चीज़ें तो उन्हें बार बार पढ़ना, तो कई बच्चे कुछ और पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कोई किसी पे, तो एक तो लग का और मेहनत का तो डेफिनेटली फैक्टर है क्योंकि इतना बड़ा कवर करने के लिए हम अलग से टाइम निकालना, और दूसरी बात मेंटल, हमारा मेंटल लेवल जो है जैसे मोटिवेशन वगैरह डिस्ट्रैक्शन से बचना वो खुद के ऊपर है, जैसे मेरी एग्जांपल तो मैंने यूट्यूब वगैरह सब बंद कर दिया था, यूट्यूब इंस्टा में था, स्कूल में था मैं तो मैं तो था इन सब में, लेकिन मैंने 11th में खुद से डिटरमाइंड होकर बंद किया था ये सब, तो वो सब खुद पे डिपेंड करता है और मेहनत अपनी तरफ से पूरी करनी है, रिज़ल्ट की टेंशन नहीं लेनी है, तो लंबी जर्नी हो, टीचर्स वगैरह सब रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो कोशिश कीजिए फैमिली से ज़्यादा टच में रहें, फ्रेंड्स वगैरह से कम थोड़ा सा, फैमिली से ज़्यादा टच में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि मेहनत तो होती है लेकिन मेहनत के साथ थोड़ा लक भी काम करता है, ये राघव का मानना है। अच्छा राघव, क्लासरूम में कैसा माहौल रहता है? ऐसा तो है नहीं कि पूरे टाइम ही आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा बहुत दोस्तों में मस्ती होती रहती है स्पेशली ब्रेक टाइम में? हाँ, ब्रेक टाइम में तो हम जैसे वॉशरूम चले गए साथ में, कभी बात कर ली क्लास में, जनरली पढ़ाई करते हैं पर बात बात कर ली, और हम तो कभी कभी क्लास के बीच में भी कर लेते थे, वो गलत बात है पर थोड़ी बहुत तो रहती है, और पढ़ाई घर पर पढ़ाई पूरी करनी है वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, बस क्लास में जब पढ़ाया जा रहा है तब पूरी तरह से उनको ढंग से सुनना है टीचर्स को, हर टीचर्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बाकी तुम बात ब्रेक्स वगैरह में कर लो जो करना है, वो 15-20 मिनट में पढ़ के भी कुछ होएगा नहीं ज़्यादा, तो रिलैक्स भी हो जाता है, माइंड भी रिलैक्स हो जाता है थोड़ा सा।
अच्छा, जेई की जर्नी टफ भी है, लंबी भी है, एक ही गोल जिसके पीछे आपको पूरे 2 साल कड़ी मेहनत करनी है. ऐसे में अगर राघव से कोई जानना चाहे कि राघव ने कितने घंटे पढ़ाई की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को, आपने कितना टाइम दिया अपनी क्लासेस के अलावा? अब जैसे क्लासेस हमारी 6 to 7 hours की रहती हैं, तो उसके अलावा घर पे होमवर्क भी मिलता है. तो मैंने ये नोटिस किया कि 11th क्लास में स्पेशली होमवर्क के अलावा काफ़ी टाइम बच जाता है बच्चों के पास. तो आराम से पुराना, जैसे ये हम कैसे बताते हैं कि इस पर ध्यान देना है, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री एलन में हर थोड़े दिन में पेपर होते हैं प्रॉपर एडवांस पैटर्न पे, उसी सेक्शन वगैरह सब कुछ वैसे ही. तो उससे हमें आइडिया लगने लग जाता है क्या वीक है, उसका एनालिसिस अच्छे से करके पता चलता है कि ये सब्जेक्ट पे इस टॉपिक पे ध्यान देना है. तो उस पर खास ध्यान देना होता है कि क्या वीक है. और बाकी एक्स्ट्रा टाइम में तो पूरा ही रिवाइज कर लो जो है. मैं तो शुरू में ऐसे ही करता था कि पूरा का पूरा शुरू से कॉपी पढ़ ली, स्पेशली नोट्स, क्लास नोट्स पर ज़्यादा फोकस. और बाकी सब बाद में टीचर्स गाइड कर देते हैं, पर मेन तो यही है कि जो आपको पेपर से पता चल रहा है आपका वीक है उस पर ध्यान दें. अच्छा, टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि मेंस तक तो ठीक है, लेकिन जेई एडवांस में तो क्योंकि पूरा दिन ही आपको एग्जाम ही देना है, एक तरह से पार्ट वन देना है, फिर कुछ टाइम ब्रेक होगा, फिर पार्ट टू देना है. तो मेंटली बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग होना पड़ता है. ऐसे में प्रैक्टिस बहुत लगती है पहले से कि आप प्रिपेयर रहो कि एडवांस्ड के पेपर के लिए? नहीं, ऐसी एक्चुअली पेपर एलन में ऐसे इसी पैटर्न में कराए जाते हैं ना, 9 to 12 और 2:30 to 5:30 सेम जैसे एडवांस में टाइमिंग रहती है. बस फर्क ये रहता है कि रिपोर्टिंग टाइम थोड़ा वहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं एलन के पेपर में, वहाँ पहले पहुँचना पड़ता है. पर इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता, सबको आदत होती है 6 hours पेपर देने की और टाइम से जाती है, मैक्सिमम लोग टाइम से पहले ही पहुँच जाते हैं. तो उस दिन के लिए हिसाब से 2 साल में प्रॉपर तैयारी कराई जाती है, तो ऐसे स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए. अच्छा, टेस्ट जो भी आप देते हो एलन में, वो क्या कुछ आपको लगता है बेनिफिशियल है, किस तरह से बेनिफिशियल है? क्या वो आपको सिली मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प कर देते हैं, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी शायद चीज़ें होंगी? हाँ, प्रॉपर शुरू में तो इतना तो नहीं पता होता, शुरू में तो बिगड़ते ही थे सारे टेस्ट, पर बाद में धीरे धीरे टीचर्स भी गाइड करते, आसपास बच्चों से भी बात करते, क्लासमेट से इस बारे में बात करनी चाहिए तू कैसे करता है पेपर या ऐसे. तो एक तो पहला पॉइंट रहता है टाइमिंग का, कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना सही रहता है, कौन से नंबर पे लेना ठीक रहता है एडवांस के हिसाब से. एलएन में कभी कभी कोई सब्जेक्ट आसान, कभी मुश्किल, तो एडवांस जिस हिसाब से सर हमारी टीचर एक्सपीरियंस है तो वो बता देते हैं किस हिसाब से करना है. दूसरा, सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे एडवांस में अभी भी मेरे को इस बात का दुख है कि 25 से 30 नंबर और आराम से हो सकते थे, उससे रैंक का भी बहुत बेनिफिट, उससे मतलब टॉप 15 टॉप 20 रैंक्स भी इजीली आ सकती हैं. तो सिली मिस्टेक्स पर तो शुरू से ध्यान देना है. इतना हम लोगों ने नहीं दिया, पर सिली मिस्टेक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से. तैयारी तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन वहाँ जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए. ओके, अच्छा, आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है खासतौर पर एग्जाम हॉल में? अब मेरे हिसाब से मैंने तो मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह अपनाया था, क्योंकि मेंटल लेवल जो होता है स्ट्रेस वगैरह बच्चों में रहता है ये एग्ज़ाम में जनरली. मैंने जैसे मैं रिलैक्स ही रहता था मैक्सिमम एग्ज़ाम में, कभी पीछे होकर आसपास देख लिया बाकी बच्चे कैसे हैं, तो किसी के पसीने आ रहे हैं, कोई स्ट्रेस में है, तो वो दिखता है साफ साफ. तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा है कि हम क्वेश्चन ठीक से ना पढ़ें, ज़रा सी एक वर्ड भी मिस हो जाता है तो मतलब बदल जाता है. तो वो सब, और वो लास्ट तक होती है, हमारी भी लास्ट तक होती थी. पर ऐसा होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पर देना चाहूँगा, 360 का पेपर हुआ तो शुरू में जैसे हमारी 100-150 मार्क्स की सिली मिस्टेक हो रही है, तो सर लोग बोल, सर डांटते भी हैं सब लोग कि सिली मिस्टेक्स इस तरह से रिड्यूस करें, तो लास्ट तक 20-30 हो जाती है. तो हम ध्यान दें किस पैटर्न में हो रही है, कि करेक्ट इनकरेक्ट का एक होता है, एक होता है कि डोमेन नहीं देखिए, जो भी होता है केमिस्ट्री में प्रॉपर लाइन पूरी पढ़नी है, और एक तो नॉलेज का तो होता ही है कि प्रॉपर हमें पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसकी वजह से भी नॉलेज लैक हो जाता है, तो वो भी सिली मिस्टेक्स में गिनी जाती है. तो वो सब, और हर पेपर का एनालिसिस अच्छे से करें, ये हमारे टीचर्स बोलते हैं. तो okay. जो भी गलतियाँ हो रही है सब प्रॉपर देखें, किस तरह की हो रही है, किस पैटर्न पर हो रही है, अगली बार वो चीज़ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इतने 100-200 जितने भी पेपर होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, तो वो क्वेश्चन वापस आए तो ऐसा हमें होना चाहिए कि हम कर सकते हैं और सही होना चाहिए. okay. ऐसा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए. तो सिली मिस्टेक्स को समझ रहे थे, आप खुद ही अपनी गलतियों से सीखते सीखते मुझे लगता है एनालिसिस ज़रूरी है. Okay. हर पेपर का उसी दिन हो सके तो उसी दिन कर लीजिए, नहीं तो अगले दिन संडे होता है तो कर सकते हैं. अच्छा राघव, पढ़ने की बात है तो हमने बहुत की, पढ़ाई के अलावा क्या क्या आपका शौक है? मेरा जिमिंग वगैरह का शौक था बचपन से ही है, तो अब जिम तो नहीं जा सकते 11th-12th में, लेकिन मेरे घर से पास में गार्डन है, तो मैं सुबह उठते ही थोड़ी बहुत पढ़ाई करके उसके बाद जॉगिंग करने जाता था जब मौसम ठीक हो जाए, तो जॉगिंग वहाँ पे जो भी एक्सरसाइज वगैरह हो सके.
तो वो करके उससे माइंड भी फ्रेश हो जाता है और सुबह का शेड्यूल भी प्रॉपर हो जाता है. नहीं तो सुबह होता है कि नींद आती रहती है, पढ़ाई ठीक से नहीं होती. तो उससे पूरे दिन का एक माइंड फ्रेशनेस हो जाती है. टीचर्स भी कहते हैं, सबको कहते हैं, जनरली बच्चे नहीं करते, पर मेरे हिसाब से करना चाहिए. स्ट्रेस लेवल बहुत रिड्यूस हो जाते हैं इससे. अच्छा, क्योंकि किसी जर्नी में जब आप हो पूरे टाइम, आप एक कंपटीशन में भी हो, कहीं ना कहीं एक एक फील होता है कि चलो क्लास में टेस्ट हो रहे हैं, उसमें भी लगता है कभी किसी के ज़्यादा आ रहे हैं, कभी किसी के कम आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद को भी रहता है कि मेरी परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है, उस पर भी आपकी एक नज़र रहती है. ऐसे में स्ट्रेस होना आम बात है, मुझे लगता है वो सबका अपना अलग तरीका है कि कौन कैसे मैनेज करता है. लेकिन अगर कभी डिमोटिवेशन हो और कभी कोई लो पॉइंट आ जाए, तो खुद को उससे कैसे निकालें, कैसे उभारें उससे? मैम, मैं तो जैसे कोशिश करता था सबसे अच्छा ही रहे, लेकिन कई बार बिगड़ भी जाता था, तो फिर मैं तो दुखी होकर बैठ ही जाता था. फिर मम्मी, फिर भी खुद को आपने कैसे मोटिवेट, मतलब मम्मी पापा संभालते थे कि कोई बात नहीं, पेपर ही तो है, हो जाएगा, ठीक है. और फिर खुद से मोटिवेशन तो ज़रूरी है. तो एक दिन की बात रहती है, एक दिन दुखी रहता है हमारा थोड़ा सा, उसके बाद फिर वापस काम रहते हैं, क्योंकि काम लगा से मूव ऑन करना चाहिए. हाँ, काम लगातार मिलते हैं. और ऐसा भी कई बार होता है, ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी हमारे साथ, कि पेपर बिगड़ा है अगर, तो उसका एनालिसिस करने का मन नहीं करता. पहले ही मुश्किल पेपर है, उसका हमने एनालिसिस भी नहीं किया, तो और वर्स सिचुएशन है कि अगली बार ऐसा कुछ आया तो हम नहीं कर पाएंगे. तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सब अवॉइड करें इस चीज़ को. पेपर कैसा भी जाए, अच्छा बुरा, अच्छा जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ठीक है. कैसा भी पेपर हो सकता है, कई बार ऐसा भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और बुरा पेपर जाए तो थोड़ा दुखी होना होना ही चाहिए, दुखी तो. लेकिन उसके बाद हाथों हाथ देखें कि हमने क्या बिगाड़ा है पेपर, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम पेपर वापस देखते हैं तो हमारे पास वापस कॉन्फिडेंस क्यों आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम इतना तो कर ही सकते थे, वो हमने वहाँ पे अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है वापस. राघव, बहुत सारी बातें आपने हमसे की. अच्छा राघव, क्योंकि आप कोटा से ही हैं, आपने कोटा का एनवायरमेंट बहुत अच्छे से जिया है और देखा भी है, ऐसे में आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो देश के किसी भी कोने से कोटा आ रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर कोटा आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? आपको क्या लगता है यहाँ पे किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं और जिससे उन्हें बचना चाहिए? हाँ, मैंने ये देखा कि बच्चे जैसे हमारे पास तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, पर मैंने देखा है कई बच्चे स्कूटी से घूम रहे हैं या कई रेस्टोरेंट्स कैफेज़ में बैठे हैं. तो ये सब तो मेरे हिसाब से परफेक्टली अवॉइड ही करना चाहिए, चाहे संडे भी हो. संडे को तो पढ़ाई का टाइम होता है, तो उस दिन तो बिल्कुल नहीं. और दोस्त जैसे बनते हैं क्लास में, इतनी बड़ी क्लासरूम्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह के मिलते हैं, तो किसी उनसे मतलब दोस्त सोच समझ के गुड कंपनी चूज़ करनी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मैंने देखे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं फ़ोन, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह में, चाहे जेई की पढ़ाई करें, नीट की पढ़ाई करें. तो कोशिश करें वो अवॉइड करें और अच्छे से अच्छे बच्चों से दोस्ती करें. ऐसे कहते हैं कि पढ़ाकू बच्चों से दोस्ती करें, हाँ तो करनी चाहिए मतलब मेरे हिसाब से तो. और उनसे सीखें वो कैसे कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि प्रॉपरली उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करें. खुद का कुछ तो मतलब अंदर से खुद से सबका अलग अलग होता है, तो कोशिश करें बैड कंपनी से दूर रहें. यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं. मुझे लगता है सारी चीज़ें आपने कवर कर ली है अपने इस आंसर में, सब कुछ बता दिया कि एग्जैक्टली इस एज में क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं. अच्छा, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? मैम, ड्रीम कॉलेज तो ऐसे कोई नहीं है, बट IIT बॉम्बे या दिल्ली. ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसे नाम रोशन करते रहेंगे राघव, अपने पेरेंट्स का और टीचर का, एलन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारे शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच मैम. और चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस खास प्रोग्राम में मुझे इजाजत दीजिए. उम्मीद करते हैं इस स्टोरी से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जिस भी सपने के साथ आप जुड़ेंगे एलन के साथ, जिस भी सपने के साथ आप कोटा आएंगे, वो सपना आप जरूर पूरा करेंगे. नमस्कार.